कल्ला बल तुकज्जिबून बिद्दीन, बल्कि तुम लोग जजा का इनकार करते हो। आयत नंबर 9 सूरह इन्फितार। सुम्मा मा अदराक मा यौमुद्दीन, और फिर तुम्हें क्या मालूम कि जजा का दिन क्या शय है। आयत नंबर 18 सूरह इन्फितार। अब मैं तर्जुमा पूछ रहा हूँ, ये आयत पढ़ेंगे। और जब जहन्नम की आग भड़का दी जाएगी। وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, आयत नंबर 12 सूरह तकवीर। अब मैं एक सवाल सिर्फ आयत नंबर के जरिए से पूछ लेता हूँ, यानी ये दो तरीके और ये तीसरा तरीका कि मसलन आप सूरह इन्फितार की आयत नंबर 7 पढ़िए। अल्लज़ी खलक़का फ़सव्वाका फ़अदलक, उसने तुझे पैदा किया फिर बराबर करके मुतवाज़िन बना दिया। चूंकि आपने कुरान नहीं देखा, बच्ची ने बिल्कुल सही पढ़ा है। यहाँ मौजूद हैं, अब सवाल आप करें, यहाँ कुरान सामने रखा है इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم। कसम है इंजीर और जैतून की, वतूर सीनीन की, यहाँ बलद अमीन और इस अनमान वाले शहर की। लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम, हमने इंसान को बेहतरीन साख में पैदा किया है। आयत नंबर 1, 2, 3, 4 सूरह वत्तीन। शाबाश। यौमा यकूनुन नासु कल जी, यौमा यकूनुन नासु, यौमा यकूनुन नासु कल फराशिल मबथूस, वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूस, फअम्मा मन थकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर राज़िया, वअम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनुहु फअम्मुहु हाविया। और उस दिन लोग बिखरे हुए पतंगों के मानी हो जाएंगे, और पहाड़ झुकी हुई घोड़ी की तरह उड़ने लगेंगे। और उस दिन जिसकी नेकियों का पल्ला भारी होगा वो पसंदीदा ऐश में होंगे, और उस दिन जिसकी नेकियों का पल्ला हल्का होगा उसका मकबरा हाविया है। और तुम क्या जानो कि हाविया क्या मुसीबत है, ये एक कैफी आग है। आयत नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 14 13। अब मुझे नहीं पता, मैं तर्जुमे का अल्फाज बोलूंगा, उसमें तो नहीं मालूम कुरान से नहीं लिखी है, इंशाल्लाह समझेगी। हाँ मैं बेटा बताओ, जो लोग अपनी नमाज से काहली करते हैं, सुस्ती करते हैं, भूल जाते हैं। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, आयत नंबर 5 सूरह अल माऊन। शाबाश। अगर ये पढ़ी ना होती तो कलेजे से लगा लेता। अल्लाह सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, और पहाड़ों को हरकत कर दी जाएगी। وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, और जब रूहों को जिस्मों से जोड़ दिया जाएगा। وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, और जिंदा दर्दों लड़के के बारे में सवाल किया जाएगा। بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, कहने किस गुनाह में मारा गया है। وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, और जब नामाए आमाल मुंतशिर कर दिए जाएंगे। आयत नंबर 7, 8, 9, 10 सूरह तकवीर। बेटा बतलाएं, अलम यजीद का यतीम अंसारवा, क्या हमने तुमको यतीम पागल पना नहीं दी है। आयत नंबर 6 सूरह दोहा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अलक की आयत नंबर 5, अल्लाह मल इंसान अमालम यालम, और इंसान को सब कुछ बता दिया जो उसे मालूम नहीं था। वअम्मल इंसान इदा मक्तलाहु रब्बहु रब्बहु फअकरमहु वनअमहु फयकूलु रब्बी अकरम, और इंसान का ये ख्याल है कि जब उसको इस तरह आजमाया कि इज्जत और नियामत दे दी तो कहने लगा कि मेरे परवरदिगार ने मुझे
लिए बाइज़त बनाया है। आयत नंबर 15 सूरह फज्र जिसमें कीमती और मजबूत बातें लिखी गई हैं। आयत नंबर 9 भी सूरह मुतफ़िफ़ीन अम्मा यतसाअलूना अनिल नबइल अज़ीम ये लोग आपस में किस चीज के बारे में सवाल कर रहे हैं, बहुत बड़े कब्र के बारे में। आयत नंबर 12 सूरह नबा वसाहिबते ही वबनी बीवी औलाद से भी। आयत नंबर 35 सूरह अबस सूरह अबस की आयत नंबर 25 सूरह अबस यही है आयत नंबर 25 25 अन्ना सबबनल मा सबा बेशक हम बेशक हमने पानी बरसाया है। जज़ाक अल्लाह ईरान के करारियों को पर हम नाज करते थे, वाकई उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन आज इस बच्ची ने हमें यहाँ भी सर उठाने के लायक बना दिया और जिसका उस्ताद ही खुर्शीद हो वो तो मशरिक से निकलता ही है। ये एक बस्ती में है, मैंने इनसे मुशामत शुरू की है कि एक बस्ती में महदूद रखने के बजाय मरकज आ जाए ताकि पूरे हिंदुस्तान को हम इनसे फैजियाब करें। इन पे बस्ती का दबाव बहुत है, इन पे बस्ती का दबाव बहुत है और मेरा दबाव कमजोर है। बस आप में से कोई पुराने किसी सूरे की आयत ही पूछ लीजिए। जरा कहिए तंजीमुल मकातिब चाहे सवाल हो चाहे जवाब हो, हर सवाल हर जवाब के तहत ये लोग इन्नहुम यकीदूना कैदा हम लोग अपना मकर कर रहे हैं। आयत नंबर 15 सूरह तारीख नारे ए नारी या